नमस्कार, टेक पॉइंट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जियो का स्पीड कैसे इंक्रीज करेंगे, क्या कुछ हो सकता है, और एपीएन सेटिंग के बारे में और बहुत कुछ के बारे में इस पर बात करेंगे, और क्या ट्रू है क्या फॉल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो ओरिजिनल जियो सेटिंग है, मतलब जो वोल्टी फोन है उनमें तो ज़रूरत नहीं होता है, आप सिम फास्ट स्लॉट में डाल दीजिए उसके बाद हो जाता है, नेट आ जाता है। लेकिन जो विदाउट वोल्टी वाला है, जैसे कि ये वाला फ़ोन, ये है कुलपैड नोट 3, तो इसमें आपको जाके सेट करना पड़ता है एपीएन में। एपीएन में जाइए और एस एस पॉइंट में जो जाता है, और वहाँ पे एडिट करके ये वाला चीज़ लिख दीजिए, जियो लिख दीजिए, और एपीएन में जियो नेट लिख दीजिए, और नेट शुरू हो जाता है। तो आज इस ये वीडियो में हम बात करेंगे कि सच में होता है या नहीं होता है, तो क्या है प्रॉब्लम, क्या चीज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए रेगुलर मेरा है, और इसमें आपको एक बार मेरा स्पीड दिखा देता हूँ, ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैं, इसमें आपको एक बार स्पीड दिखा देता हूँ कितना स्पीड मिलता है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये देखिए, और ये अपलोड शायद से होगा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं है, देखिए नहीं हुआ अपलोड। और अब देखते हैं बाकी जो उसका जो एपीएन सेटिंग है, चेंजेस है जो नेट में मिल रहा है अभी, उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये था रेगुलर सेटिंग हमारा, उसके बाद आप चेंजेस जो किए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए ये बनाया है मैं, ये देखिए ये चेंज हो गया शायद से, अब ट्राई करते हैं क्या स्पीड होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट कितना जा रहा है, 6.2, और अपलोडिंग भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो अपलोडिंग हमेशा जियो में अच्छा ही रहता है, ख़राब नहीं रहता है, जो डाउनलोडिंग होता है वही सिर्फ कम थोड़ा रहता है। तो ये जियो 4G लिख के हम एक बार सेट कर देते हैं। और यहाँ पे अब मैं कुछ रैंडम सा लिख दिया हूँ, टेक नेट करके लिख दिया हूँ, अब देखते हैं क्या कुछ होता है। यहाँ पे हमारा चैनल का नाम लिख देते हैं, अब देखते हैं क्या स्पीड मिलता है हमारे चैनल के नाम से, क्या सर्वर है ये। तो यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट समथिंग दिखा था, तो ये फ्लक्चुएट होता है, कभी ऊपर कभी नीचे होता है। और ये जो सर्वर चेंजेस है ये कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी नाम लीजिए उसमें भी हो जाता है, ये सिर्फ नेटवर्क आने के लिए। क्योंकि कुछ कुछ फ़ोन में, जैसे कि ये वाला फ़ोन है और भी कुलपैड का फ़ोन है, विदाउट वोल्टी वाला फ़ोन है, उनमें तो स्पीड वैसे भी कम होता है। जी हाँ, मेरा जो ली 2 फ़ोन है उसमें स्पीड ज़्यादा होता है वी वोल्टी के कारण शायद से, लेकिन जो विदाउट वी वोल्टी है सिर्फ 4G है, उनमें थोड़ा स्पीड कम रहता है। और एपीएन जो है आप देख चुके हैं, आपको मिल गया होगा, आप यहाँ पे जो भी चेंज कर दीजिए, जो भी कर सकते हैं कर दीजिए, लेकिन वो जाता है वही सेम नेटवर्क ही जाता है, वही जियो के पास जाता है, कुछ दूसरा नहीं जाता है, और कुछ स्पीड वैसा भी चेंज नहीं होता है। आप देख चुके होंगे कि जो भी मैं चेंज किया है वही 2 Mbps तक जाता है, या फिर 3 ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी 6 तक जाता है, लेकिन वो 1 सेकेंड के लिए या 2 सेकेंड के लिए, उसके बाद फिर टेस्ट करोगे तो वही सेम ही आएगा रिजल्ट, कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो इसीलिए आप जो भी आपको नेट मिल रहा है आपके जगह पर, आप चाहे तो ऐसा कुछ कुछ चेंज कर सकते हैं, अगर हो जाता तो अच्छा बात है, लेकिन
होगा भी तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, 5-10 मिनट के लिए आपके लिए होगा वो स्पीड, नहीं तो वो नॉर्मल एवरेज जितना रहता है उतना ही रहता है, और कब कब स्पीड बढ़ जाता है रात को, कभी कभी स्पीड बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता रहता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आपको समझ गया आ गया होगा कि क्या स्पीड चेंजेस होता है या नहीं होता है, आप खुद डिसाइड कर दीजिए होता है कि नहीं, ये आपके ऊपर है। टेक बन के ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो बड़ा सा लाइक दीजिए, और आपको अच्छा लगा है तो शेयर भी कर सकते हैं, और इसी तरह वीडियो और देखना है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर कीजिए, क्योंकि हम रोजाना इसी तरह के वीडियो और डेली टेक न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। तो बस मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।